इस भयंकर गर्मी में हम सभी चाहते हैं कि रसोई से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि मैं लाई हूं आपके लिए टमाटर की ऐसी जबरदस्त टेस्टी रेसिपी कि यकीन मानिए ये वीडियो देखते ही आप बनाएंगे रुक नहीं पाएंगे। ना सब्जी है, ना चटनी है और ना कोई अचार। आपने ये इससे पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। सिर्फ 5 मिनट, 2 बूंद तेल और जबरदस्त स्वादिष्ट आपकी टमाटर की ये नई रेसिपी होगी तैयार। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टमाटर की इस मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी के लिए मैंने यहाँ लिए है 7 लाल लाल फ्रेश टमाटर। तो सबसे पहले टमाटर को मैंने धो लिया, धो करके पोंछ लिया है। तो ये जो ऊपर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ना टमाटर का, ये इस तरीके से हम निकाल कर अलग कर देंगे। यकीन मानिए टमाटर की इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसे लंच और डिनर दोनों टाइम खाना चाहेंगे। घर के बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी आप खाइए, ना किसी चटनी की जरूरत और ना किसी सब्जी की जरूरत। और ऊपर का हिस्सा हटा करके टमाटर को इस तरह से बीच में से कर लेंगे 2 भाग में डिवाइड। तो सारे टमाटर बिल्कुल इसी तरह काट लीजिए। गर्मियों में जब रसोई में बिल्कुल लंबा लंबा काम करने का मन नहीं होता और कुछ हल्का फुल्का कुछ बनाने का मन करता है तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो बस इस तरह से सारे टमाटर हम कट कर लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई या पैन में डालें सिर्फ 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ लगभग 6 से 7 सूखी वाली लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली। और लो फ्लेम पर लाल मिर्च को बिल्कुल बढ़िया से कुरकुरी यानी क्रिस्पी होने तक इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो लाल मिर्च हो गई है हमारी बढ़िया से क्रिस्पी, इनको हम निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 7-8 कली लहसुन की, इसको भी बढ़िया से कर लेंगे रोस्ट। इस तरह से रोस्ट करने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लहसुन भी बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में लो फ्लेम पर टमाटर जो भी हमने काट के रखे थे ना उनको इस तरह से उल्टा कर लगाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे 1-2 बूंद ऑयल। बस इस तरह फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और बस इस तरह से टमाटर को लो फ्लेम पर हम बढ़िया से नरम कर लेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि रोस्ट हो जाए। टमाटर मुझे बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट लग रहे हैं तो बस इस स्टेज पर हम चम्मच से टमाटर को पलट देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से टमाटर पर स्पॉट आ गया है, एकदम बढ़िया ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो नीचे से भी इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इतना मस्त स्वाद आएगा ना, मजा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस स्टेज तक ही हमें टमाटर को रोस्ट करना है। गैस को बंद कर देंगे और टमाटर को निकालेंगे एक प्लेट पर। और टमाटर इस तरह से ठंडे हो जाने पर हम इसका जो ऊपर का छिलका है वो पूरा हम हटा देंगे। ये बिल्कुल इस तरह बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है टमाटर में से। और ये लीजिए टमाटर के सारे छिलके मैंने इस तरह से हटा लिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक लेंगे इस तरह का खलबट्टा यानी क्रशर और जो अभी हमने लहसुन और लाल मिर्च भून कर रखे थे ना उनको हम इसमें इस तरह डाल देंगे। देखिए कितनी करारी हो गई है हमारी लाल मिर्च, हाथ से भी कर सकते हैं, खलबट्टे से थोड़ा आसान हो जाएगा। और इनको दरदरा सा कूट लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार और दरदरा सा इसको चूर लेंगे। और ये लीजिए एकदम बढ़िया से दरदरा सा हमारा मिक्स तैयार हो गया है। इसका जो फ्लेवर आएगा ना मिक्स का, आप रोटी इसी से ही खा लेंगे, इतना टेस्टी ये लगता है। ये देखिए क्रश कर लिया है तो एक बड़े बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इस मिक्स में मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने लंबाई में लच्छे में कट कर लिया है, तो ये भी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सब चीजों को हाथ से एक बार और इस तरह से मैश कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज मैं बना रही हूँ, बहुत ही मस्त रेसिपी है। और लीजिए हमारी प्याज बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब इसमें जाएंगे हमारे सारे टमाटर जो भी हमने छील करके रखे थे। अब यहाँ पर चाहे तो आप हाथ से इसी तरह से इसको चूर लें या फिर आप क्या करें कि आप लीजिए एक मैशर और मैशर से इस तरह से हम पूरे टमाटर मैश कर देंगे। और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने सभी चीजों को मैश कर लिया है, एकदम यम्मी खुशबू आ रही है रोस्टेड वाली। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करें तो डालें वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनली ये जो रेसिपी है बंगाल बिहार इन सब जगह बनाई जाती है, इसमें सरसों का तेल डाला जाता है, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और करते हैं अपने क्विक एंड इजी टमाटर भरते को सर। और ये लीजिए हमारा बहुत बहुत ही टेस्टी एकदम यमी टमाटर का इंस्टेंट भरता बन करके है बिल्कुल तैयार। ऐसी रेसिपी है कि यकीन मानिए आपने अगर इसको एक चम्मच टेस्ट कर लिया,
आप सब सब्जी चटनी अचार सब भूल जाएंगे और बस इसी की डिमांड करेंगे। घर में बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। और इसमें खास बात ये होती है, आपको मसाले नहीं डालने पड़ते हैं ज्यादा, तो गर्मियों के लिए एकदम बढ़िया रेसिपी, विटामिन सी से भरपूर, टेस्ट में एकदम रोस्टेड वाला फ्लेवर इसमें। इसको आप किसी भी पूरी, पराठा, रोटी, चावल, फुल्का किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह बनाकर एक एयर टाइट बॉक्स में आप फ्रीजर में रख दीजिए। ये 20 दिन भी खराब नहीं होगा। जब भी आपको खाना हो आधा घंटा पहले निकालिए फ्रीजर से और फिर उसके बाद सर्व कीजिए। तो है ना टमाटर का भरता एकदम टेम्पटिंग। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये समर स्पेशल इंस्टेंट वाली टमाटर भरते की न्यू रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को प्यार और सपोर्ट जरूर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री और रोज देखिए मेरे साथ एक से एक बढ़िया रेसिपी एकदम आसान तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।